सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं लवि गुमर। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात पंजाब और हरियाणा की तमाम रैलियों की। तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के गढ़ लंबी में कांग्रेस की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। ये रैली मिशन 2019 के मकसद से की गई, जिसके लिए कांग्रेस ने एक पोस्टर भी रिलीज किया, जिसमें पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत की बात कही गई। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लंबी में कांग्रेस की रैली हुई। रैली में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस ने मिशन 13 का पोस्टर रिलीज किया। मिशन 13 का मतलब पंजाब की 13 लोकसभा सीटों से है और आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का मिशन कांग्रेस ने इस रैली के जरिए शुरू किया है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी। जनता ने उन पर विश्वास जताया है और हम जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया और सरकार की ओर से भविष्य में किसानों को और भी राहत दी जाएगी। जिहड़ा अज मैं रैली देख रहा कांग्रेस पार्टी की, इस तो वड्डी कदे भी नहीं मैं देखी। थोनू सारयां नू वधाई होए, तुसी बड़ी दूर दूर तो आए हो और जदों मैं हुणी आ रहा सी तो मैं देख रहा सी कि 10 मील तक हरे बसां की लाइन लगी हुई है। किसी ने कोई कसर नहीं छड़ी हिम्मत करन च। असी 2 लाख रुपया हर परिवार नू दे रहे हैं और वाहिगुरु करे साड़ी आर्थिकता मजबूत होए और पंजाब अगले राह ते तुरन लग जाए ते असी फिर जेड़ा कोई कर्जा साड़े को थोड़े को है असी फिर पूरा करने की कोशिश करांगे। ये नहीं कि एक बार दे के असी इनू बंद करता, लेकिन जिन्नी साड़ी गुंजाइश है अज वो थोड़े सामने असी रख रहे हैं। वहीं रैली को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि उन्हें लंबी की जमीन पर आकर सुकून मिला है। उन्होंने बरगाड़ी कांड को लेकर भी बयान दिया। हद्दे निगाह जिथों ताई निगाह दी हद है उथों ताई कांग्रेस नू प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैनू अज लंबी दी धरती तो वफा दी खुशबू आ रही है। तुहाडियां मोहब्बतां लई शुक्रिया। जो बगराड़ी ते बैबल कला होया लोग यही समझते सीगे, जिन्ना ने कतल कीता वो तलब कर ले गए, जिन्ना ने कतल का हुक्म दिता वो बरी हो गए, मुलाजम तलब हो गए, मालक बरी हो गए। वहीं कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो पंजाब का भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे, उनकी सरकार पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। पंजाब का जिहड़ा भाईचारा है, पंजाब की भाईचारे की जिहड़ी सांझ है वो जुगो जुग अटल पावन गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़ी है। अज जे किसी नू भाईचारे नू खतरा है वो खतरा छोटी सोच दे छोटे लोगों को है। उन्हां लोगों नू जिहड़े अज कुर्बानियां दी गल करदे आ उन्हां नू मैं पुछना चाहना, जदों पंजाब दे अंदर भीड़ पई सीगी 25,000 पंजाबियां ने कुर्बानियां दित्तियां उदों काका जी किथे सीगे। कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल के गढ़ में रैली कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि इस रैली का पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में कितना असर होता है। लंबी से एमएचवन न्यूज के लिए अशफाक डूडी की रिपोर्ट।